हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून नीलेश, गुड आफ्टरनून शिक्षित। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, नबार्ड नबार्ड का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है, अब बारी है मेंस की। अब बारी है मेंस की। तो मेंस में हमारा एआरडी का ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है, ठीक है, मेंस के लिए हमारा जो कोर्स चल रहा है एआरडी को लेकर, फ्री पूरा का पूरा एआरडी पढ़ाएंगे हम मेंस के लिए। तो आज इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स। आज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स, दैट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, ठीक है, एआरडी को लेकर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को लेकर जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जो लोग आ चुके हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी जल्दी से जल्दी आ जाएं और हम यहां पर आज का सेशन स्टार्ट करें। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। कौन से राज्य ने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, अपने राज्य के अंदर फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट करी है, क्या? कालिया स्कीम, KALIA। कालिया स्कीम किस राज्य ने स्टार्ट करी है अपने राज्य के अंदर फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए? पवन जी पूछ रहे हैं प्री का रिजल्ट कब आएगा। पवन जी, प्री का रिजल्ट आ जाएगा, आप रिजल्ट की वेट मत करिए, आप मेंस की तैयारी की तरफ जुड़ जाइए, रिजल्ट जो भी हो, ठीक है। हम अगर रिजल्ट की वेट करते रह गए तो क्या होता है, रिजल्ट मेनली आता है मेंस एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले। तो रिजल्ट की अगर हम वेट करने बैठ जाएंगे तो हम मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है, हमें रिजल्ट की वेट पे नहीं बैठना। हेलो वैशाली जी, तो आंसर करिए जल्दी से, कालिया स्कीम किस राज्य ने लॉन्च करी है, ये स्कीम किस राज्य ने लॉन्च करी अपने राज्य के अंदर फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए? तो आंसर आया हमारे पास, सबसे पहले रवि जी ने आंसर किया है, तो आंसर करिए बाकी लोग भी, किस राज्य ने यह स्कीम लॉन्च करी अपने राज्य के अंदर फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए? चलिए आंसर आ रहे हैं हमारे पास, सब लोग कह रहे हैं ओडिशा ओडिशा ओडिशा। तो जी हां, बिल्कुल सही, यह स्कीम स्टार्ट करी थी ओडिशा ने। ओडिशा ने एक स्कीम स्टार्ट करी अपनी स्टेट के अंदर फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, कल्टीवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, क्या? कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, कालिया स्कीम। तो फुल फॉर्म्स, यहां पर एब्रीवेशंस का मेन ध्यान रखना, पेपर में एब्रीवेशंस को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। तो फुल फॉर्म, कालिया की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो अपनी स्टेट के अंदर जो फार्मर्स है, कल्टीवेटर्स है, उनको हेल्प करने के लिए यहां पर ओडिशा की सरकार ने, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उन्होंने स्कीम को लॉन्च करा। तो ओडिशा ने लॉन्च करा क्या स्कीम? कालिया स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या होगा, जो भी यहां पर कल्टीवेशन के लिए पर फैमिली को यहां पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। खरीफ, देखिए मेंस क्रॉप की बात करें तो खरीफ होता है, रबी होता है, दोनों क्रॉप सीजन के लिए 5,000 रुपए मिलेंगे एक फैमिली को। दोनों क्रॉप के लिए 5,000 रुपए मिलेंगे एक फैमिली को, खरीफ के लिए 5,000, रबी के लिए 5 साल, बेसिकली फॉर द 3 ईयर्स ये स्कीम चलेगी। 2021-22 तक ये स्कीम चलने वाली है, 18-19 में स्टार्ट हुई थी, जनवरी 2019 में इसको शुरू किया गया, ठीक है। इस स्कीम के अंदर और क्या मिलता है, स्कीम के अंदर आपको एक लाइफ कवर भी मिलेगा 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का एक लाइफ कवर मिलेगा, और 2 लाख रुपए का ही एक एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है, ठीक है। और कितने हाउस होल्ड को यहां पर सरकार टारगेट कर रही है, 57 लाख हाउस होल्ड। ये डिफरेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, हाउ मेनी हाउस होल्ड आर कवर्ड अंडर द कलिया स्कीम, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको ये नंबर भी पता होने चाहिए, हाउ मच अमाउंट टू बी गिवन, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। तो 10,000 रुपीज पर फैमिली फॉर खरीफ एंड रबी सीजन, 5,000 रुपीज ईच, 57 लाख हाउस होल्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें इसके बारे में, तो पूरा का पूरा जो स्कीम पैसा खर्च करने वाली है, सरकार पैसा खर्च करने वाली है स्कीम के अंदर, 10,180 करोड़ रुपीज, 10,180 करोड़ रुपीज यहां पर 3 साल में सरकार खर्च करने वाली है ओडिशा की सरकार, ठीक है। ओडिशा की सरकार यहां पर इतना पैसा खर्च करने वाली है
इसके बाद इसके बात करें तो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स फैमिलीज को भी यहां पर हेल्प करेगी लैंड के लिए, लैंड को लेकर, ठीक है। उनको क्या मिलेगा, उनको 12,500 रुपए दिए जाएंगे, उनको क्या मिलेगा, उनको 12,500 रुपए दिए जाएंगे गोट रीरिंग के लिए, मशरूम कल्टिवेशन के लिए, बी कीपिंग करना, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज, ऐसे बिजनेसिस के लिए उनको 12,500 रुपए भी देगी यही स्कीम। और इसके साथ साथ ये स्कीम क्या देती है, ये एक क्रॉप फ्री लोन भी देती है, फ्री क्रॉप लोन देती है 50,000 रुपए तक का, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री, जिसपे किसान को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा, एक ऐसा क्रॉप लोन देती है स्कीम 50,000 रुपए तक का, 50,000 रुपीज तक का। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी लॉन्च करी, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है ग्रीन एजी, ग्रीन एग्रीकल्चर वी कैन कॉल्ड। तो ये प्रोजेक्ट किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज ग्रीन एजी इसको लॉन्च करा, ग्रीन एग्रीकल्चर इसको लॉन्च करा। हमारा अगला क्वेश्चन, आंसर करिए जल्दी से। जी हां इरफान जी, बिल्कुल सही, ओडिशा की सरकार ने लॉन्च करा था वो स्कीम। अब अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ये किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर भारत सरकार ने लॉन्च किया, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं वो इसको शेयर कर दो ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी यहां पर हमारे साथ जुड़ सके। तो आंसर आने शुरू हो गए हमारे पास। मयन जी कह रहे हैं नबार्ड, एनएम लवर कह रहे हैं नबार्ड, रवि रंजन जी कह रहे हैं एफएओ। तो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। तो देखिए ये जो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के चलते हुए लॉन्च किया गया, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, तो सेंट्रल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। तो यस, यहां पर जो आंसर है वो क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ग्रीन एजी, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ठीक है, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो अप करने के लिए। इंडिया का जो एनवायरमेंटल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एनवायरमेंट को हेल्प करे, एनवायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए काम करता रहे, उसको यहां पर बूस्टअप करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया बाय विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली यहां पर 5 states को यहां पर कवर अप किया जाएगा, 5 states को कवर अप करने की बात हुई है यहां पर। कौन कौन से, मध्य प्रदेश के अंदर क्या चंबल लैंडस्केप, उसके बाद मिजोरम के अंदर क्या दंपा लैंडस्केप, उसके बाद ओडिशा के अंदर क्या सिमलीपल लैंडस्केप, उसके बाद राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप एंड उत्तराखंड कॉर्बेट राजा जी लैंडस्केप। तो इन 5 reasons को यहां पर कवर अप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, इसको कवर अप किया जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है जो कि दुनिया में किसके लिए जीरो हंगर को लेकर काम करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो अप करने के लिए, फूड की सेफ्टी के लिए, और यहां पर दुनिया में हंगर को डिक्रीज करने के लिए ये काम करता है। कब बना था, ये बना था 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है ये अगस्त 2019 में अपॉइंट हुए, इनका नाम है क्यू डोंग यू। तो ये कब अपॉइंट हुए, ये भी रिसेंट है, ये भी आपके लिए करंट ही है क्योंकि ये अगस्त 2019 में अपॉइंट हुए हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की। तो देखिए ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी कब आया, ये 1992 में आया था, ठीक है, ये 1992 में रियो अर्थ समिट के चलते हुए इसको लेके आए थे। प्लैनेट्स के अंदर हमारा जो अर्थ है उसके अंदर जो एनवायरमेंट, बड़ी बड़ी एनवायरमेंट की समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसको लेके आए। देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ये भी एनवायरमेंट को काफी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, जैसे लैंड, ठीक है, स्ट्रो, अब किसान स्ट्रो को जला देते हैं, ठीक है, किसान स्ट्रो को जलाते हैं तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। उसके बाद लैंड्स में जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज होता है वो भी एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं क्योंकि वो लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे जो यूजेज होते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर का प्रोटेक्शन तो हमें चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें एनवायरमेंट को भी मेंटेन रखना है। तो दैट इज द यहां पर क्या ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्टेट को यहां पर दिया गया जैविक इंडिया अवार्ड? जैविक इंडिया अवार्ड किस राज्य को मिला फॉर द प्रमोशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द स्टेट? अपने राज्य के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए यहां पर जैविक इंडिया अवार्ड 2019 में किसको दिया गया? जैविक इंडिया अवार्ड क्या महाराष्ट्र को मिला, सिक्किम को मिला, आंध्र प्रदेश को मिला या फिर पंजाब को मिला? जैविक इंडिया अवार्ड किसको मिला? आंसर करिए जैविक इंडिया अवार्ड। तो आंसर आ रहा है हमारे पास जैविक इंडिया अवार्ड को लेकर। देखिए जैविक इंडिया अवार्ड ना काफी कैटेगरीज में मिलता है, ये फार्मर्स को भी मिलता है, ये स्टेट्स को भी मिलता है, ये स्टेट एजेंसीज को भी मिलता है, काफी कैटेगरीज में ये दिया जाता है। तो यहां पर मैंने स्टेट की बात करी है, किस स्टेट को मिला। तो देखिए यहां पर किस स्टेट को मिला, यहां पर आंसर मेरे पास ज्यादातर सिक्किम आ रहा है। सिक्किम नहीं है, सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है। तो यहां पर आंसर एक ऐसा राज्य आएगा, वो राज्य जो अपने स्टेट के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का काम कर रहा है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो क्या है, पंजाब को मिला क्या, जैविक इंडिया अवार्ड मिला किसको, पंजाब राज्य को मिला, पंजाब एग्रो के चलते हुए। ठीक है, पंजाब ने क्या किया, पंजाब अपने राज्य के अंदर जो प्रमोशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रमोशन है उसको यहां पर प्रमोट करने के लिए काम किया, तो पंजाब को मिला यह अवार्ड। बट अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया यह अवार्ड काफी कैटेगरीज में मिलता है, तो अगर मैं एजेंसी की बात करूं तो ये जो एजेंसी का ये जो अवार्ड मिला था, ये मिला था मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी को। तो एजेंसी के केस में मणिपुर, स्टेट के केस में पंजाब, दोनों ध्यान में रखना। ठीक है, जैविक इंडिया अवार्ड किसको मिला, मणिपुर को मिला, किसके लिए, एजेंसी के लिए, और स्टेट में किसको मिला, पंजाब को मिला। तो पंजाब और मणिपुर यहां पर बात की हमने, मणिपुर में किसकी, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। देखिए ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं हम, तो इस बार भी जो हमारा बजट आया उसमें ऑर्गेनिक खेती जैविक खेती पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पिछले बजट में बात हुई थी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यहां पर प्रमोट की जा रही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छे लेवल पे होगा, उतना ही ज्यादा बेटर है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए ये जो अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड यहां पर पंजाब की तरफ से रिसीव किया गया, पंजाब एग्रो के डायरेक्टर साबिन जी की तरफ से। ठीक है, और ये अवार्ड दिया किसने, सुरेश प्रभु जी ने अवार्ड दिया था नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में एक इवेंट चल रहा था, ठीक है, वो इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था, वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहां पर बेस्ड है, बेंगलुरु में है। इसने कर्नाटका की सरकार के साथ मिलकर नई दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, इसी इवेंट में यहां पर यह अवार्ड दिया गया, यहां पर पंजाब को एंड मणिपुर को और अदर फार्मर्स को भी अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच स्टेट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट? विच स्टेट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किस राज्य के अंदर है सबसे ज्यादा, किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं? किस राज्य के अंदर यहां पर लार्जेस्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं? तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, नीलेश जी कह रहे हैं यूपी, अमोल भी कह रहे हैं सी, रवि भी कह रहे हैं यूपी। तो यस यू आर राइट, उत्तर प्रदेश के अंदर
100 इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, 100। और दूसरे नंबर पे आता है क्या, गुजरात 79। देखिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इसने 585 यहां पर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स बनाने की बात करी थी। कहां कहां पे, 16 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, 16 राज्य और 2 यूटीज। ये भी नंबर आपको पता होना चाहिए कितनी यूटीज और कितनी स्टेट्स की बात होती है। यहां पर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मिशन यह चल रहा है, तो यहां पर किसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 100 है और गुजरात के अंदर 79 है, तो टोटल कितनी है, 585। बट इसको आगे फर्दर भी इसके लिए टारगेट सेट किया हुआ। अगर मैं करंट की बात करूं, इसके लिए फर्दर भी टारगेट सेट है, इसको फर्दर कहां लेके जाना है, तो कितनी और बनानी है। तो देखिए यहां पर टोटल ना 1000 की बात हुई थी, टोटल जो सरकार ने लॉन्च किया था हम 1000 बनाएंगे, तो 585 तो ऑलरेडी, और 415 यहां पर और बनाई जाएंगी, 415 यहां पर और बनाई जाएंगी, ठीक है। तो कितने फार्मर्स को यहां पर ये कवर कर रहा है, 1.65 करोड़ फार्मर्स को ये कवर अप कर रहा है एंड 1.27 लाख ट्रेडर्स को यहां पर रजिस्ट्रेशन इनका हो चुका है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के थ्रू हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो ट्रेड है, ये 91,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, ये ग्रो अप करता जा रहा है, ये ग्रो अप करता जा रहा है। तो ये कहां तक आ गया, ये 91,000 करोड़ तक आ चुका है। तो हमें इसको कहां पे लेके जाना है, इसको लेके जाना है 1 लाख करोड़, हमें इसको कहां पे लेके जाना है, 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है, 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है। तो क्वेश्चन ये सारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कितने तक का टर्नओवर, कितने तक का ट्रेड लेके जाना है, कितने नए बनाए जाने हैं, 415, कितने इनिशियल थे, 585। तो ये सारे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अगर मैं बात करूं कॉमोडिटीज की, इसके अंदर कॉमोडिटीज कितनी कवर होती है, तो 150 कॉमोडिटीज प्रेजेंटली कवर हो रही है इसके अंदर, प्रेजेंटली, ठीक है, इनिशियली तो कम थी बट अभी 150 कवर अप हो रही है। तो कौन कौन सी अगर मैं बात करूं, फूड ग्रेन्स है 25, ऑयल सीड्स 13 है, फ्रूट्स 29 है, वेजिटेबल्स 40 है, स्पीसीज 14 है एंड मिसलेनियस 29 है। तो टोटल 150 कॉमोडिटीज को कवर करता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रेजेंटली हाउ मेनी कॉमोडिटीज आर कवर्ड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हमने बात करी 16 स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज, तो हम देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ये आया था 2016 में, 14 अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो कौन कौन सी स्टेट इसके अंदर कवर अप है, देखो नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है, तो ये जो येलो में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये येलो कवर अप में दिखाई दे रहे हैं विद द नंबरिंग भी यहां पर की हुई है कि कितने किस राज्य के अंदर बनाए जाए, कितने किस राज्य के अंदर बनाए जा रहे हैं, तो यहां पर बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, यहां पर टोटल नंबरिंग भी दी हुई है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने, 100 उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट्स 2019 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वॉज हेल्ड इन विच सिटी, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट्स को लेकर जो ट्रेड फेयर होता है इंटरनेशनल लेवल पे, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए एक अलग से होता है, अदर बिजनेस को लेकर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अलग से भी होता है, ठीक है। तो वो जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है वो तो हर साल नई दिल्ली में होता है, वो तो जब भी होता है नई दिल्ली में होता है। ये ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट 2019, ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट्स वाला जो ट्रेड फेयर है ये कहां पे, ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट्स ट्रेड फेयर ये कहां पे, इसको कहां पे लॉन्च ऑर्गेनाइज किया गया, क्या नई दिल्ली में किया गया, बेंगलुरु में किया गया, मुंबई में किया गया या फिर जयपुर में किया गया, इसको कहां ऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट्स 2019 आंसर करिए। तो आंसर आने शुरू हो गया हमारे पास, सबसे पहले आंसर दिया श्वेता ने, श्वेता कह रही है बेंगलुरु, बेंगलुरु में। तो देखिए ये जो ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट्स 2019 है इसको बिल्कुल सही, इसको बेंगलुरु में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको बेंगलुरु में अनाउंस ऑर्गेनाइज किया गया था, कब, जनवरी 2019 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये हर साल होती है, जनवरी 2018 में शुरू हुआ था ये और हर साल होता है, तो ये 2020 में भी होने वाला है, होएगा बेंगलुरु में ही, बट कब होएगा यह अभी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, होएगा ये इस बार भी बेंगलुरु में ही होएगा। तो यहां पर एक पेविलियन, वी कैन ऑल्सो कॉल थीम, यहां पर जो दिया गया उसका क्या नाम था, के सोर्स,
के सोर्स, कर्नाटका सोर्स यहां पर एक पवेलियन यहां पे दिया गया कर्नाटका की तरफ से। तो स्मार्ट फूड, नए बिजनेसेस, टेक्नोलॉजीज, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, मार्केट्स को एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रो अप करने के लिए यहां पर ये ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट्स 2019 ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इसकी चर्चा होती है मिलेट्स की, तो मिलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2019, ये कहां पे हुआ? नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर कहां पे हुआ? हॉर्टिकल्चरल फेयर कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया 2019 में? देखिए ये जनवरी 2019 का करंट अफेयर है, तो ऐसे क्वेश्चन नबार्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, नबार्ड के पेपर में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को लेकर प्रीवियस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यू हैव टू कवर दिस, आपको पता होना चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नबार्ड मेंस, ये नबार्ड मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2019 में कहां हुआ? नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2019 में कहां हुआ? हॉर्टिकल्चरल फेयर, नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2019 में कहां पे हुआ? फ्रेंड्स आंसर करिए, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है, व्यू कर रहे हो आंसर नहीं कर रहे हो, आंसर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, आंसर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आंसर देखो यहां अगर आपको नहीं पता यहां आप गलत भी बोल सकते हो, बट अगर पेपर में बात आ रही, पेपर में हम गलत नहीं कर सकते, पेपर में हमें गलत नहीं करना है, यहां पर बैकवर्ड जाने का ऑप्शन है, ठीक है, यहां पर इरेज करने का ऑप्शन भी है, पेपर में एक बार फाइनल सबमिशन के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास ऑल्टरेशन को लेकर, तो यहां पर आप आंसर करिए। तो आंसर आया हमारे पास ए बी, श्वेता कह रही है ए, भूमिका कह रही है बी, इरफान कह रहे हैं बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, तो ये भी कहां हुआ? ये भी बेंगलुरु में ही हुआ, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर इसको नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर को ऑर्गेनाइज किया था, कहां पे? बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, और इसका थीम क्या था? थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्टिकल्चर फॉर द रूरल प्रोस्पैरिटी, हॉर्टिकल्चर फॉर द रूरल प्रोस्पैरिटी, ये इस बार इसका थीम था, हॉर्टिकल्चर फॉर द रूरल प्रोस्पैरिटी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है इससे तो आप पूछ सकते हो यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन विच स्टेट, किस स्टेट के अंदर, किस स्टेट के अंदर भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है इंडिया का दूसरा, इंडिया का दूसरा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पर किस राज्य के अंदर लॉन्च किया गया? देखिए इंडिया के अंदर एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑलरेडी था, यह कहां पर था? यह है नई दिल्ली में, ये कहां पे? नई दिल्ली में। तो लास्ट ईयर जनवरी 2019 में हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, देखिए पिछले साल लोकसभा के चुनाव हुए, तो पहले लोकसभा के चुनाव होने से पहले हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनका नाम था राधा मोहन सिंह, बट अभी कौन है? अभी है नरेंद्र सिंह तोमर, अभी है नरेंद्र सिंह तोमर। तो यहां पर सरकार ने इंडिया का दूसरा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च किया था, तो किस राज्य के अंदर इसको लॉन्च किया गया? किस राज्य के अंदर इसको लॉन्च किया गया? कहां पे इनोग्रेट किया गया? कहां पे बनाया जा रहा है ये? अमोल जी बोल रहे हैं सी और डी। अमोल जी पेपर में एक ही ऑप्शन चूज करना होता है। सत्यम वांगखड़े कह रहे हैं सी, इंडिया सेकंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहां पे बनाया जा रहा है? देखिए ये बनाया गया कहां पे? झारखंड के अंदर। कहां पे? झारखंड के अंदर इसको बनाया गया है, इंडियाज सेकंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे इसको बनाया गया है? कहां पे? झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर। देखिए एक नई दिल्ली में है, दूसरा झारखंड में, तीसरा भी बनाया जा रहा है। तीसरा कहां बनेगा? असम के अंदर। एक और बनाया जा रहा है, ऑलरेडी ऑनगोइंग है। कहां पे बन रहा है? असम के अंदर बन रहा है, असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को जब लॉन्च किया गया था, तो इसका काम क्या था? जो स्टेट के अंदर अंदर, ठीक है,
पहले क्या होता था, जो ट्रेडर होते हैं या फार्मर होते हैं स्टेट के अंदर ही सामान बेचते थे, स्टेट के अंदर ही डीलिंग होती थी, एक स्टेट के अंदर ही एक स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट उसका एपीएमसी अपनी स्टेट के अंदर अंदर बेच रहा है, ठीक है, एक से दूसरे पे। बट क्या हुआ जनवरी 2019 में, क्या हुआ जनवरी 2019 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर पहला इंटर स्टेट ट्रेड हो गया, इंटर स्टेट ट्रेड हो गया। तो ये इंटर स्टेट ट्रेड जो हुआ ये उत्तर प्रदेश और किस राज्य के अंदर साथ हुआ, उत्तर प्रदेश और किस राज्य के साथ। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला इंटर स्टेट ईनम ट्रेड ये उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ किया, उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ किया। टमाटोज बेचे थे यहां पर, पहली डील जो टमाटोज को लेकर हुई थी, टमाटोज को लेकर। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं हमारे पास। उत्तराखंड, उत्तराखंड सी सब लोग बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही हो आप लोग। यहां पर इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड की सर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हल्दीवाणी, ठीक है, हल्दीवाणी और यूपी में उत्तर बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने हल्दीवाणी की इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ इंटरस्टेट यहां पर डील की टमाटोज को लेकर, टमाटोज का ट्रांजेक्शन ये हुआ था। तो ये था इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर इंटर स्टेट ट्रेड। बट ये तो एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के साथ किया, यहां पर एक विद द वन स्टेट विद द वेरियस स्टेट वाली बात भी होती है कि एक राज्य ने काफी सारी वेरियस स्टेट के साथ ट्रेड किया। तो ये किसके साथ बात होती है, ये कौन सा राज्य था, ये राज्य था राजस्थान। इंडिया का पहला ऐसा इंटर स्टेट ट्रेड दैट इज विद द वन स्टेट टू द अनदर स्टेट्स। तो ये क्या था, अगर मैं एक स्टेट की बात करूं, मतलब अगर मैं स्टेट में प्लेसेस की पर्टिकुलर बात करूं, तो ये था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उसके बाद आया राजस्थान, राजस्थान ने किया गुजरात महाराष्ट्र ऐसे स्टेट के साथ उसने ट्रेड किया राजस्थान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने, इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने एलिसा किट बनाया, एलिसा किट, एलिसा किट, क्या वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया, नबार्ड ने बनाया, एनआरसीई ने बनाया या फिर डब्ल्यूएचओ ने बनाया, एलिसा किट, एलिसा किट इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया, एलिसा किट, एलिसा किट। अगेन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, बट डोंट बी नर्वस, एलिसा किट, देखो अगर नहीं आता तो स्किप लिख दो, अगर नहीं आता तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर जगह हमें आंसर करना है, ठीक है, बोलना जरूर है बट स्किप भी लिख सकते हो, ठीक है, स्किप भी लिख सकते हो। तो यहां पर आंसर आ रहा है हमारे पास, अमोल जी बोल रहे हैं आईसीएआर, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यहां पर देखिए मैं बता देता हूं, ये जो एलिसा किट लॉन्च करी है ये आईसीएआर ने नहीं करा, ये करा एनआरसीई ने, ये करा एनआरसीई ने, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विनिस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विनिस, ये हिसार के अंदर है, ये कहां पे है, हिसार हरियाणा में है, इसने लॉन्च करा है क्या, एलिसा किट। एलिसा क्या है, एंजीम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, ठीक है, एंजीम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे इसने लॉन्च करा है, जो ग्लैंडर्स होते हैं या फिर इक्विन इंफेक्टियस एनीमिया होता है उसको रिकवर करने के लिए, उसके लिए किट डिस्कवर करिए, किट डेवलप करिए, किसने, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विनिस ने इसको बनाया है। ये सेंटर कहां पे है, हिसार के अंदर है, ये सेंटर कहां पे है, हिसार के अंदर है। ये देखिए जो ग्लैंडर होता है ना, ये ग्लैंडर डिसीज किसमें होता है, हॉर्स डोंकीज ऐसे एनिमल्स में ये डिसीज होता है, ठीक है। तो ग्लैंडर्स को रिकवर करने के लिए यहां पर, इस बीमारी के इलाज के लिए यहां पर एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट इसे यहां पर बनाया गया, किट बनाएगी, किसने बनाया, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनिस ने, इक्विनिस ने इसको बनाया। ये कहां पे है, हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए यहां पर कंट्री के अंदर कितने, इंडिया के अंदर कितने एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस बनाए जा रहे, ठीक है, इंडिया के अंदर कितने ब्रीडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं कितने,
इंडिया में ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को ग्रो अप करने के लिए, डेवलप करने के लिए यहां पर क्या बनाया जा रहा है, यहां पर बनाया जा रहे हैं क्या ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। तो हाउ मेनी, कितने यहां पर यह बनाए जा रहे हैं? देखिए जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे हम सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आपके मेन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है एग्रीकल्चर को लेकर, तो हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, हमें सब कुछ कवर अप करना है ताकि एग्जाम में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और हमें ये एग्जाम क्रैक करना है। प्रीलिम्स तो आप लोग कर लोगे क्योंकि आपने जैसे आपने बताया, ठीक है, जैसे आप लोगों ने रिव्यूज दिए आपका प्रीलिम्स एग्जाम बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है, तो मेंस भी आप लोगों को क्रैक करना है, ठीक है, क्योंकि जॉब का जो फाइनल अचीवमेंट होता है वो मेंस के बाद होता है, प्री के बाद नहीं होता है, तो हमें मेंस भी क्रैक करना है। तो मेंस में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे हम सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हमें कवर अप करने हैं, सारे के सारे, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, हमने देखे पहली बार है इसलिए हमें थोड़ा अजीब लग रहा है। चलिए कितने सेंटर यहां पर बनाए जाएंगे, यहां पर बनाए जा रहे हैं चार, फोर, कोई बात नहीं, नहीं आता आपने स्किप किया कोई बात नहीं, तो चार सेंटर यहां पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर बनाए जा रहे हैं ईटीटी आईवीएफ सेक्स सॉर्टेड सेमेन और जेनोमिक्स एंड ट्रेनिंग ऑफ स्किल्ड मैन पावर को लेकर, ठीक है। बेसिकली ये ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की बात इंडिया के अंदर कहां पे आई, ठीक है, ये कहां पे आई, ये आई ब्राजील से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है विद विच कंट्री इंडिया फोकस टूवर्ड द ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, दैट इज विद द ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। वैशाली जी पूछ रहे हैं सर रिमेनिंग बजट कब लोगे। वैशाली जी मैंने उसका पीडीएफ दे दिया था आपको, ठीक है, मैंने उसका पीडीएफ फाइल दे दिया था, हमारा जो उस दिन 8 घंटे का लेक्चर हुआ था उसके साथ जो पीडीएफ अपलोडेड है उसमें मैंने रिमेनिंग सारा बजट का पीडीएफ दे दिया था। द रिमेनिंग शॉर्ट टर्म पार्ट्स आर पेंडिंग, कुछ छोटा सा पार्ट ही पेंडिंग रहता है उसमें, बेसिकली द फाइनेंशियल सेक्टर्स, तो टैक्सेशन की बात है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसको लेकर आप उसको पढ़ सकते हो, मैंने बहुत ईजी वे में ही उसको सिंप्लीफाइड किया पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है, जस्ट मैंने फैक्चुअल बातें की है उसके अंदर, पीडीएफ में मैंने सिर्फ फैक्ट्स लिखे हैं, तो जब भी आपको कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो उसको लेकर। तो चार यहां पर बनाए जाएंगे, पढ़े हैं लेकिन याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं अमोल जी, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम, ठीक है, आपने पढ़ा बहुत अच्छी बात है, यहां पर हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो डोंट बी सैड डोंट बी नर्वस, कोई बात नहीं याद आएगा, रिवाइज करेंगे तो याद आएगा ना, चीजें प्रैक्टिस से आती है, चीजें प्रैक्टिस करने से ही आती है, तो हमें रिवाइज करना है, हम रिवाइज ही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इन विच स्टेट फर्स्ट गोट फर्टिलिटी लैब, किस राज्य के अंदर पहली गोट फर्टिलिटी लैब बनाई गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किस राज्य के अंदर, किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का यहां पर सेटअप हुआ फर्स्ट, किस राज्य के अंदर यहां पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इंडिया के अंदर, किस राज्य के अंदर फर्स्ट गोट फर्टिलिटी लैब बनाएगी, गोट फर्टिलिटी लैब, फर्स्ट गोट फर्टिलिटी लैब को यहां पर एस्टैब्लिश किया गया। अभी पता क्या होता है, अभी क्या होता है कि बच्चे प्रीलिम्स देकर कहां चले गए, प्रीलिम्स देकर सोचते हैं कि पहले रिजल्ट आ जाए हम फिर मेंस की तैयारी करेंगे। देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है हमें रिजल्ट की वेट नहीं करनी है, हमें अभी से मेंस की तैयारी करते रहना है, ठीक है। अगर हम रिजल्ट की वेट पे लगे रहे तो जो अपने 10 से 15 दिन है जो हम खराब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद कम टाइम बचेगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए और हमारे दिमाग में बढ़ता है प्रेशर, ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे दिमाग में बढ़ता है प्रेशर, तो जब प्रेशर बढ़ता है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, चिल होकर पढ़िए क्योंकि अभी टाइम है, तो पढ़ते रहो बस, ठीक है, फ्यूचर की चिंता मत करो, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो यहां पर आंसर आ रहे हैं हमारे पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वैशाली जी पूछ रही है मेंस का ईएसआई, जी हां वैशाली जी मेंस का ईएसआई भी होगा, ठीक है। तो इरफान जी वेरी गुड, दीनदयाल वेटरनरी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही, तो दीनदयाल वेटरनरी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फर्स्ट गोट फर्टिलिटी लैब को यहां पर बनाया गया, जिसके लिए टोटल कॉस्ट 22 करोड़ रुपए, ठीक है, 22 करोड़ रुपए। और इस दीनदयाल वेटरनरी यूनिवर्सिटी ने किसके साथ टाई अप किया इसको बनाने के लिए, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन फॉर मार्केटिंग, उत्तर प्रदेश का जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है मार्केटिंग को लेकर, उसके साथ टाई अप करके, उसके साथ
टाइप करके यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 22 करोड़ की कीमत से, प्राइस भी आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, कई बार सीधी कॉस्ट ही पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन किसी भी वे से आ सकता है, तो हम पूरा का पूरा कवर अप करेंगे उसको, ताकि किसी भी वे से क्वेश्चन आए तो हमें कुछ नहीं छोड़ना है, हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, हमें सब कुछ कवर अप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर ये फर्स्ट गोट फर्टिलिटी लैब बनाई जा रही है, तो देखिए ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये उत्तर प्रदेश का एक स्टेट प्लान है जो कि 2007 में यहां पर लॉन्च किया गया था विद द सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस। ठीक है, देखिए हमारा जो 11th फाइव ईयर प्लान था द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ऑल सेक्टर्स, तो उसी के अंदर यहां पर एग्रीकल्चर के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है हर साल 4% का एग्रीकल्चर ग्रो करना। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड सेक्टर्स का हर साल 4% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ना, ये इसका मेनली सेक्टर है हमारा, टारगेट है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीविजन 2019 कहां पे हुआ? चलिए आंसर करिए, एग्रीविजन 2019 कहां हुआ? एग्रीविजन 2019 बेंगलुरु में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, बेंगलुरु डबल हो गया ऑप्शन यहां पे टाइपिंग के चलते हुए, तो पुणे में हुआ, कहां पे हुआ? एग्रीविजन 2019। तो दमन जी ने आंसर किया एग्रीविजन, दमन जी कह रहे हैं नई दिल्ली। तो देखिए एग्रीविजन 2019 जो हुआ, एग्रीविजन 2019 कहां पे हुआ? ये हुआ हैदराबाद के अंदर। ठीक है, यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है जी, हां भूमिका जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो वो बेंगलुरु की जगह पर हैदराबाद ऑप्शन में होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ यहां पर, तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा टाइप करते वक्त हो गया। तो ये कहां पे हुआ? ये हैदराबाद के अंदर हुआ। ये कहां पे हुआ था? ये हैदराबाद के अंदर हुआ था। तो इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था इनविजनिंग एग्रो सॉल्यूशन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये इस बार इसका थीम था। नीतीश जी बोल रहे ए एंड सी सेम ऑप्शन है। जी हां नीतीश जी, दैट्स अ टाइपिंग एरर, ये टाइपिंग एरर था। तो ये कहां पे हुआ? बेसिकली ये हैदराबाद के अंदर हुआ। ठीक है जी हां, जिन लोगों ने बिना ऑप्शंस को देखे सही आंसर किया तो दैट्स वेरी गुड, वो बहुत अच्छा था। ठीक है नीलेश जी, भूमिका जी, तो आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हो, तो बिना ऑप्शन के यहां पर आंसर कर पाना ये बहुत अच्छा टास्क होता है। तो कहां पे हुआ ये? ये हुआ था हैदराबाद के अंदर। इसका थीम क्या था? इनविजनिंग एग्रो सोल्यूशन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इस बार इसका थीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये किसने लॉन्च किया? नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट ये किसने लॉन्च करा? बताइए जल्दी से। अभी अभी हमने पढ़ा था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली इसी का पार्ट था। मेंस के लिए कितने मंथ का करंट अफेयर्स चाहिए? नीतीश जी बेसिकली अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर रिलेटेड हम बात करें तो देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो करंट अफेयर होता है ना वो पिछले कभी भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है तो हमें 19 का सारा ही पढ़ना है बेसिकली। ठीक है 2019 का हम सारा पढ़ेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड, अगर मैं बात करूं तो हम 2019 का सारा पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा टास्क तो है नहीं, ज्यादा करंट अफेयर्स तो होते नहीं है मंथली एग्रीकल्चर को लेकर, तो हम एग्रीकल्चर के अंदर सारा का सारा पढ़ेंगे, मैं सारा का सारा पढ़ाऊंगा आपको। तो यहां पर आंसर आ रहे हैं हमारे पास, देखिए
यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं आईसीएआर, कुछ लोग बोल रहे हैं आईएआरआई। आईएआरआई क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं आपको बता दूं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। तो इसके साथ तो ये तो लॉन्च कर नहीं सकता। द आंसर इज क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो कौन लॉन्च करेगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये लॉन्च किया, क्या? नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया ताकि बेसिकली जो यूथ है, ठीक है, इंडिया के अंदर जो टैलेंट है, यूथ टैलेंट, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ प्रमोट हो, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो, एग्रीकल्चर की फील्ड में पढ़ाई करे ताकि इसको ग्रो अप किया जा सके। देखिए टारगेट हमारा एक ही है, वो टारगेट क्या है? टू डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। हमारे पास टारगेट क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर को 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है हमें, ये हमारा मेन टारगेट है, उसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किया, इसका जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है? 1100 करोड़ रुपए है, 1100 करोड़ इसका टोटल कॉस्ट है। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट हाफ ऑफ पैसा देने वाले हैं, हाफ ऑफ पैसा देने वाले हैं, 50-50 बेसिस पे ये पैसा देने वाले हैं। कब पढ़ाओगे सर? वैशाली जी पढ़ा तो रहे हैं, क्या पढ़ना है आपको? ठीक है, ये भी पढ़ा ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषक बंधु स्कीम, कृषक बंधु स्कीम किस राज्य ने लॉन्च करी? कृषक बंधु स्कीम यहां पर किस राज्य ने लॉन्च करी? कृषक बंधु स्कीम, कृषक बंधु स्कीम यहां पर किस राज्य ने लॉन्च करी? कृषक बंधु स्कीम, कृषक बंधु, किस राज्य ने स्कीम को लॉन्च करा? कृषक बंधु, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, असम है, सिक्किम है, किस राज्य ने लॉन्च करा कृषक बंधु स्कीम? ड्रीमी गर्ल, जी हां बिल्कुल, आपको वो वीडियोस भी देखनी चाहिए, ठीक है, आपको वो वीडियोस भी देख लेनी चाहिए जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं देखा, ठीक है, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो उसमें भी जो भी वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, मेंस के लिए उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस कैचअप होंगे, तो आपको वो भी देख लेनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ रहा है, वैशाली जी बोल रही है ईएसआई, जी हां वैशाली जी, वी विल सून लॉन्च ईएसआई, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप हमारे पोर्टल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए खुद को, तो वहां से आपको नोटिफिकेशन मेल आ जाएगी, ईमेल आपको मिल जाएगा जब भी हम स्टार्ट करेंगे। तो जी हां वेरी गुड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ने लॉन्च कराया क्या? कृषक बंधु स्कीम, कृषक बंधु स्कीम वेस्ट बंगाल ने लॉन्च करी है अपने राज्य के अंदर। इसके अंदर क्या आएगा? जो खरीफ और रबी है, खरीफ और रबी स्कीम सेशन के चलते हुए, हम सीजन के चलते हुए, ये जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, ये अपने राज्य के अंदर किसानों को क्या देगी? 5000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर मिलने वाला है, 5000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल कितनी फैमिलीज को यहां पर कवर अप करेगी? 72 लाख फैमिलीज को यहां पर कवर अप किया जाएगा। और यहां पर एक क्या मिलेगा? एक इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख रुपए का यहां पर क्या मिलेगा? लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट ने, किस इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट ने एक पेपर किट बनाया, ठीक है, एक पेपर किट बनाया ताकि जो दूध है, ठीक है, दूध की जो टेस्टिंग है, दूध की क्वालिटी, उसकी फ्रेशनेस को हम टेस्ट कर सके, तो इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट ने उसको डेवलप किया, वो पेपर किट, वो पेपर किट इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट ने बनाई? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट ने एक पेपर किट बनाया है जिसके चलते हुए जो दूध की फ्रेशनेस है हम उसको टेस्ट अप कर सकते हैं? एज वी ऑल नो, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर ऑन द नंबर वन, हम नंबर वन पे है मिल्क प्रोड्यूसिंग को लेकर, ठीक है, हमारे बाद आता है चाइना। तो दूध प्रोडक्शन को अच्छे लेवल पे और लेके जाने के लिए, दूध की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, देखिए प्रोडक्शन में तो हम नंबर वन पे हैं बट क्वालिटी में बहुत पीछे हैं, ठीक है, क्योंकि आज भी ऑल नो पानी डलता है दूध के अंदर और भी काफी सारी चीजें यहां पे होती हैं। तो किस
इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट ने यहां पर एक पेपर किट बनाया। तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास, अमोल कह रहे हैं डी, नीलेश कह रहे हैं आईआईटी मद्रास, इतिज कह रहे हैं सी। तो देखिए यहां पर जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन क्या है, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेसिकली एक पेपर किट बनाया है। वो पेपर किट क्या करता है, दूध की क्वालिटी को, उसकी फ्रेशनेस को टेस्ट करता है। ठीक है, उसकी फ्रेशनेस को टेस्ट करता है यहां पर। ठीक है, तो बेसिकली स्मार्टफोन पे एक मोबाइल एप्लीकेशन के चलते हुए अभी यहां पर इसको हम टेस्ट अप कर सकते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी ध्यान में रखना, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अटल सोलर कृषि पंप योजना, अटल सोलर कृषि पंप योजना, अटल सोलर कृषि पंप योजना यहां पर किस राज्य ने शुरू की है, अटल सोलर कृषि पंप योजना, अटल सोलर कृषि पंप योजना, अटल सोलर कृषि पंप योजना यहां पर किस राज्य ने लॉन्च करी, क्या वो राज्य उड़ीसा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, असम है। अटल सोलर कृषि पंप योजना, जी हां बिल्कुल, पेपर टेस्टिंग के लिए नीतीश बोल रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेट, बिल्कुल सही। यहां पर बताइए अटल सोलर कृषि पंप योजना, तो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, अमोल कह रहे हैं सी, सत्यम कह रहे हैं एमएच महाराष्ट्र, रविंद्र कह रहे हैं असम। तो ज्यादातर आंसर मेरे पास आ रहे हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तो वेरी गुड, दैट स्टेट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने लॉन्च करा क्या, अटल सोलर कृषि पंप योजना। ठीक है, अपने राज्य के अंदर जो किसान है वो किसान का ज्यादा पैसा कहां जाता है, इरिगेशन में खर्च होता है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। तो सरकार चाहती है यहां पर क्या है, जो किसान है उसको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। ठीक है, तो सरकार ने किसकी बात कर दी, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की बात कर दी। तो सरकार ने क्या बोला, सरकार ने क्या बोला, हम देंगे हर यहां पर किसको, फार्मर्स को क्या देंगे, दो एलईडी बल्ब देंगे, एक डीसी फैन दे देंगे बैटरी फैन, और एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट देंगे किसान को। ये हम चीजें किसान को देंगे अंडर द अटल सोलर कृषि पंप योजना। ठीक है, चलिए एग्जाम है अ बीजेपी स्टेट ड्यू टू द नेम अटल, बोल सकते हो आप, बट अभी ये बीजेपी स्टेट तो नहीं है, नाउ महाराष्ट्र इज नॉट अ बीजेपी स्टेट। ठीक है, ठाकरे सरकार है अभी यहां पे। तो स्कीम की हम फर्दर बात करें तो 95% बेसिकली अगर आपको सोलर पंप्स यहां पर लगाने हैं तो 95% तक की सब्सिडी यहां पर दी जाती है। ठीक है, और सरकार ने बात की है, सरकार महाराष्ट्र की सरकार ने क्या बोला, महाराष्ट्र की सरकार ने बोला कि हम अपने राज्य के अंदर 1,00,000 सोलर पंप्स लगाएंगे, 1,00,000 सोलर पंप्स हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक क्राइटेरिया दिया गया, वो फार्मर जिनके पास 5 एकड़ से कम की जमीन है, वो फार्मर जिसके पास 5 एकड़ से कम की जमीन है उसको यहां पर क्या देना पड़ेगा, उस सोलर पंप की कॉस्ट का 5% उसको देना पड़ेगा। ठीक है, सोलर पंप की कॉस्ट का 5% उसको देना पड़ेगा। कितना, 5% की अगर मैं बात करूं, 5% उसको देना पड़ेगा अगर 3 हॉर्स पावर वाला सोलर पंप उसको ले रहा है। ठीक है, और जिस किसान के पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, जिस किसान के पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है तो वो क्या लेगा, उसको मिलेगा 5 हॉर्स पावर वाला सोलर पंप, और उसकी कीमत क्या, 30,000 रुपीज। वो जो लेस देन 5 वाला है उसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है अप्रोक्सीमेटली दैट इज 12,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट बनता है। ठीक है, 12,000 रुपए अप्रोक्सीमेट उसके लिए बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, प्रोविजन ऑफ डैश इंटरेस्ट रेट पर एनम टू बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द फार्मर्स फॉर डिले इन सेटलमेंट क्लेम्स। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहां हम बात कर रहे हैं सरकार की एक स्कीम की, उस स्कीम के बारे में बता देता हूं। हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, कुछ चेंजेस किए गए थे उसकी गाइडलाइंस में, तो यहां पर उसकी बात कर रहे हैं हम।
तो देखिए सरकार क्या कहती है, अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अगर किसी किसान को, ठीक है, उसका जो क्लेम है वो नहीं मिल पाता है, क्लेम है उसको नहीं मिल पाता है जो गिवन टाइम है उसके अंदर, तो उस गिवन टाइम के अंदर, ठीक है, उस गिवन टाइम के अंदर अगर उसको क्लेम नहीं मिल पाता है तो उसके बाद इतने परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, किसान को यहां पर पे करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर मैं बात करूं, ये स्कीम किसान को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उसकी जो क्रॉप है उसको एक इंश्योरेंस देने के लिए स्कीम हम लेके आए थे 2016 में, फसल बीमा योजना, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ रहे हैं क्या, 10 12 10 12, तो 12% इज द राइट आंसर, 12% इज द राइट आंसर। फसल बीमा योजना के अंदर क्या है, फसल बीमा योजना के अंदर सरकार क्या कहती है, देखिए जनरली जो इसका क्लेम होता है, ठीक है, फसल बीमा योजना का जनरली जो क्लेम होता है ये 2 महीने तक मिल जाता है, 2 मंथ तक ये क्लेम मिल जाता है, तो 2 महीने तो आम लगते हैं। अगर 2 महीने के गिवन टाइम के अंदर भी ये क्लेम कंपनी नहीं देती है फार्मर को, तो उसके बाद उस गिवन टाइम के बाद जो कंपनी है वो किसान को 12% के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली यहां पर उसको डिले के कारण उसको पैसा देगी, उसको पेमेंट करेगी, ठीक है, उसको यहां पर पेमेंट करेगी। ये यहां पर दिया गया है प्रोविजन, चेंज किया गया जनवरी 2019 में। और इसके बाद स्टेट की अगर मैं बात करूं तो एक स्टेट का जो शेयर होता है, स्टेट की जो सब्सिडी होती है इसी के अंदर, तो स्टेट भी 12% इंटरेस्ट रेट देगा अगर स्टेट अपना शेयर टाइम पे नहीं दे पाता, ठीक है। स्टेट का जो शेयर होता है इस सब्सिडी के अंदर, स्टेट अगर अपना वो शेयर नहीं दे पाता है तो स्टेट भी 12% का इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली यहां पर देगा। देखो स्टेट के लिए बेसिकली क्या होता है, स्टेट के लिए होता है 3 महीने। स्टेट अगर गिवन टाइम के अंदर या फिर उस गिवन टाइम के 3 महीने तक भी अपना शेयर नहीं देती है, ठीक है, तो स्टेट को क्या देना है, उस स्टेट को 12% के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली यहां पर कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, यहां पर उसको देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 12% किसान को एक्स्ट्रा मिलेगा यहां पर अगर उसकी जो क्लेम है वो प्रॉपर टाइम पे उसको नहीं मिल पाती अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर किसान को एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है, इस पॉलिसी को लेने के लिए। तो वो क्रॉप वाइज होता है, खरीफ क्रॉप के लिए होता है 2%, राबी के लिए होता है 1.5%, एंड फॉर द कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ऑफ खरीफ एंड राबी दैट इज 5%। तो ये तीनों प्रीमियम भी आपको पता होने चाहिए, हाउ मच प्रीमियम पेड बाय द फार्मर्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कैसे आता है, हाउ मच प्रीमियम पेड बाय द फार्मर्स फॉर द रबी क्रॉप्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके अंदर किसान को एक प्रीमियम देना पड़ता है, कितना प्रीमियम देना है किसान को, अगर मैं बात करूं खरीफ क्रॉप्स की, खरीफ क्रॉप्स के अंदर कितना देना है 2%, रबी के अंदर देना है कितना 1.5%, और यहां पर हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितना देना है, उसमें देना है 5%, 2 फॉर द खरीफ, 1.5% फॉर द रबी, फॉर द रबी एंड 5% फॉर द कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने डिस्कस किए हैं क्या, आज हमने डिस्कस किए हैं जनवरी 2019 के एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स जनवरी 2019 के लिए। तो आज के इस लेक्चर में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आज के इस लेक्चर में आपका कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क योर एनी डाउट। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, आप रुकिए मत, आप लगे रहिए, रिजल्ट की वेट मत करो, रिजल्ट को जब आना होएगा वो आ जाएगा, बट आप इतना प्रिपेयर रहो कि जब रिजल्ट आए आपकी मेंस की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी हो, ठीक है, उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन कर पाओ, उसके बाद सिर्फ आप रिवीजन करो, आप मेंस की तैयारी ऑलरेडी करके बैठो। तो रुको मत, ये मत सोचो कि रिजल्ट आएगा मेरा पहली बार है, ये चीज मत सोचना कि मेरा फर्स्ट टाइम है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। देखो जो पहली बार में करता है ना वो सबसे बेटर होता है, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा, तो जिसने पहली बार में किया उससे वो सबसे बेटर है। तो रुकना नहीं है, मेरा पहली बार था, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया है, ऐसा मत सोचो मेरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अगर आपने मेहनत करी थी तो बिल्कुल होएगा, डरो मत, जस्ट मेंस की तैयारी की तरफ लगे रहो और जुड़े रहो हमारे साथ डेली। हम आपको डेली यहां पर क्लास दे रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, एआरडी के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।